खत्म होने वाली है, बट इंशाल्लाह इन द कमिंग 30 मिनट्स हम इन तमाम चीज़ों को गो थ्रू कर लेंगे जो कि हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर करनी है। अच्छा अदिल भाई, आपने हाथ खड़ा किया था, आपने कोई बात करनी है, आपने कोई क्वेश्चन पूछना था? नहीं सर, ये मुझे लिखना नहीं आ रहा था, इस वजह से हाथ खड़ा करके किया, अच्छा, बताया कोई इशू कि नहीं। ओके ओके, गुड हो गया। एज लॉन्ग एज वी आर कम्युनिकेटिंग दैट्स हेल्पफुल, बस कम्युनिकेट करें ताकि मुझे पता चलता जाए कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि नहीं आ जाए। अच्छा सर, तो एक बार फिर से जो मैंने, जी, इस सेशन के अलावा सर आपसे बात करनी है तो स्लैक के जरिए हो सकती है। जी आप स्लैक पे, मैं आवर्स लिमिटेड होंगे, आप वहां पे मुझे चैट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप एक्स्ट्रा क्लास लेना चाहते हैं या एक्स्ट्रा बातचीत करनी है वीडियो कॉल के जरिए 1 घंटा 2 घंटा, तो उसके लिए हम रिमोट क्लासेस मान के एक्स्ट्रा क्लासेस भी आप ले सकते हैं, ये भी आपकी स्कॉलरशिप के अंदर इंक्लूडेड है। बट उसके लिए आपको मुझे पहले बताना पड़ेगा क्योंकि मैं डायरेक्ट आपके साथ क्लास नहीं अटेंड कर सकता, पहले मुझे अपने मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा कि ये भाई अदील भाई या फिर अदील मदीहा जीशान आकिब जो है एक एक्स्ट्रा क्लास लेना चाहते हैं, मैं उन्हें जी बताऊंगा, वो सर, मुझे अप्रूवल देंगे, उसके बाद मैं क्लास ले सकता। तो अगर छोटी ठीक है सर, बातचीत करनी है, एक दो छोटी सी बात है, तो आप मुझे स्लैक पे मैसेज कर दें, मैं वहाँ पे अप्लाई कर दूंगा ग्रुप के अंदर। अगर कोई चाहते हैं प्रॉपर क्लास लेनी है या डिटेल में बात करनी है, तो आप मुझे बता दें कि सर एक क्लास या एक मीटिंग सेटअप कर दें, फिर मैं परमिशन लेके मीटिंग सेटअप कर लूँगा। ओके ओके चलें, जी सर, ओके एक बार से प्रोजेक्ट को मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। पहले तो यूडेस्टी की बात कर लेते हैं। यूडेस्टी के अंदर आपने जो स्टडी करनी है मटेरियल, वो आप 3 बेसिक हिस्सों में से बांट सकते हैं। द फर्स्ट थिंग इज वीडियो एंड ऑडियो कंटेंट दैट यू विल बी कंज्यूमिंग, और तमाम वीडियोस लेक्चर जो या टेक्स्ट लेक्चर जो आप देखेंगे, वो इन चीज़ों को गो थ्रू करना आपका एक पार्ट होगा यूडेस्टी का। सेकेंड पार्ट वुड बी टू गो थ्रू द क्विजेज एंड एक्टिविटीज दैट आर असाइंड इन ईच एंड आफ्टर एवरी वीडियो। द थर्ड थिंग वुड बी दीज प्रोजेक्ट्स। नाउ दीज प्रोजेक्ट्स वुड गो टू रैंडम रिव्यूअर्स एवरी टाइम यू सबमिट दैम। हर दफ़ा जब आप उस प्रोजेक्ट को कम्प्लीट करने पर सबमिट करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली यूडेस्टी के रैंडम रिव्यूअर के पास चले जाएंगे, जो उस प्रोजेक्ट को गो थ्रू करेगा और उस पर आपको बताएगा, भाई ये वाली बात आपने ठीक बताई, ये बात गलत है, इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो। अब प्रोजेक्ट आप उसे एक्सेस तब करेंगे जब आप पिछले कंटेंट को कंज्यूम करके आएंगे। ये आपका डैशबोर्ड है, इस डैशबोर्ड के अंदर आप जब बाकी चीजों को गो थ्रू कर लेंगे ऊपर से नीचे तक आ जाएंगे, उसके बाद आप इस प्रोजेक्ट को क्या कहते हैं अप्लाई करेंगे, इसके बाद आप शुरू करेंगे। आप सब लोगों का जो पहला प्रोजेक्ट होगा वो ये होगा, आपने गूगल एनालिटिक्स के ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाना होगा, और इस प्रोजेक्ट की मदद से आप इन चीज़ों को डिफाइन करेंगे एक बिजनेस की, कि आपके बिजनेस के KPIs क्या हैं, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आप उन्हें कैसे मेजर कर रहे हैं। प्रपोजल बनाना होगा AB टेस्ट का, एक KPI को कैसे आपने करना है, एक स्ट्रॉन्ग ग्रास्प आपको हासिल होनी चाहिए इस गूगल एंडिक्स की, उसकी मदद से फिर आप ये कर पाएंगे। और इन सब की मदद से आपको फिर इन्फॉर्मेशन गेन करके सजेशन जो है सजेस्ट करने पड़ेंगे। ये सारा काम करने के लिए यहाँ तो अपनी कंपनी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे गूगल का एक डेमो अकाउंट होता है जो आप इस लिंक पे क्लिक करके हासिल कर सकते हैं, उसके जरिए भी आप निकाल सकते हैं डेटा। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें। क्लियर है सर, गुड हो गया। इसके बाद ये दो लिंक्स हैं, दीज आर वेरी हेल्पफुल, मैं आप लोगों को हाईली सजेस्ट करूँगा कि जब आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करने लगे, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने ये दोनों लिंक्स को आराम से गौर से समझ के पढ़ लेना है। कोई बात ना समझ में आए, कोई इशू हो, कोई क्वेश्चन हो, मुझे स्लैक पे मैसेज ड्रॉप कर दें, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको फ़ोन एज सून एज पॉसिबल वहाँ पे एक अच्छा रिप्लाई दे सकूँ। ये दोनों लिंक से देख लिए, छोटी सी हैं, ज़्यादा लंबी नहीं है, बट वट दिस विल डू इज दिस विल गिव यू एन आइडिया कि वट यू हैव टू डू इन ऑर्डर टू कम्प्लीट दिस प्रोजेक्ट। अब आपका प्रोजेक्ट आपने यूज़ कैसे करना है, आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा, इसको करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये ऑनलाइन ओपन हो जाएगा। इसे ओपन कर लेना है और ऊपर से लेके नीचे तक इसे गो थ्रू करना है, और यहाँ पे वो डेटा वो चीज़ें ऐड कर देनी है जो कि आपने काम करना है। फॉर एग्जांपल स्क्रीन लिखा है रिमूव दिस स्लाइड, तो स्लाइड को रिमूव कर सकते हैं। सेम थिंग अप्लाइज टू ऑल अदर जहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक हो गया, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? नहीं सर। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा अब इन तमाम स्लाइड्स के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट जो आप अभी इससे पहले पढ़ चुके होंगे, उन कॉन्सेप्ट के बारे में काम हो रहा होगा जो कि आपने गूगल एनालिटिक्स की मदद से निकाल लिए हैं। गूगल एनालिटिक्स इस तरह का डैशबोर्ड होगा जो कि आपको इन वीडियोस के जरिए पहले सिखा देंगे, उसके बाद आपको इस डैशबोर्ड में इस प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ेगा। मैं फिर भी आपको एक नज़र दिखा देता हूँ
अगर आप में से किसी ने देखा नहीं है तो इससे फायदा होगा कि आप लोग जब कह रहे होंगे तो आपके लिए आसानी होगी। ये स्क्रीन ऐसे दिखाई दे रही है आप लोगों को? जी सर। अच्छा, ये डैशबोर्ड इस तरह का होता है, यहाँ पे आपके जितने भी अकाउंट्स हैं वो आपको शो हो रहे होंगे। मेरे चूंकि अकाउंट ज्यादा है तो मैं इस पर काम करता रहता हूँ तो इधर ज्यादा शो हो रहे हैं, बट आपको सिर्फ एक अकाउंट शो हो रहा होगा डेमो का। उस डेमो को अकाउंट को आपने क्लिक करना है, उसको क्लिक करने के बाद आपने अपनी प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है, व्यू पे क्लिक करना है और उसका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। समझ में आ गई बात सबको? जी सर। बेहतरीन। आफ्टर यू हैव डन दिस यहाँ पे डेटा शो होने लग जाएगा। इस कस्टमर का इतना डेटा नहीं शो हो रहा, बट आप जब डेमो पे आएंगे तो आपको डेटा शो होने लग जाएगा। उस डेटा की मदद से आपने फिर पूरी प्रेजेंटेशन को कम्प्लीट करना है। जी सर। सर मेरा अपना जो एडसेव वाला अकाउंट है उसके लिए एनालिटिक्स लगाया हुआ है तो वो यूज कर सकता हूँ? अगर उस एनालिटिक्स के अंदर आपको लगता है आपका जो डेटा है वो स्टेबल है और इन्फॉर्मेशन जो है आपके काम आ सकती है, उसमें तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो कि आपने यहाँ से करनी है, तो आपके लिए जी बिल्कुल आप यूज कर सकती हैं। अदरवाइज आई वुड सजेस्ट कि आप डेमो अकाउंट यूज कर लें क्योंकि उसके अंदर वो तमाम चीज़ें ऑलरेडी मौजूद है, कन्फर्म्ड है। आपके वाले में अगर वो मौजूद ना हुई तो आपको दोबारा से पूछे बनाना पड़ सकता है, इसलिए आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। इन द लॉन्ग रन आपको आप उस पर भी दबाव वो तमाम प्रिंसिपल प्रैक्टिस कर सकते हैं जब आप एक दफ़ा अपना प्रोजेक्ट कम्प्लीट कर लेंगे। डज दिस हेल्प अदर कोई और क्वेश्चन? निशान भाई, आपका जो क्वेश्चन था कि स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर दूँ, उम्मीद है आपको समझ में आ गया कि हम किस पॉइंट के ऊपर बात कर रहे हैं और स्लाइड्स आप यहाँ से निकाल सकेंगे ईजीली। जी सर। ठीक है निशान भाई। जी जी सर। चलें, गुड हो गया, गुड हो गया। अच्छा, तो हमने मार्केटिंग इनसाइट्स के बारे में बात की थी, क्या चीज़ें होती हैं, उसके अलावा हमने की बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स इंडिकेटर्स के बारे में बात कर ली है, ए बी टेस्टिंग के बारे में हमने बात कर ली है, उसके अलावा हमने उसके ऑडियंस के बारे में बात कर ली है, ऑडियंस क्या होती है, उसके अलावा हमने एक्विजिशन के बारे में बात की है, एक्विजिशन क्या होती है, कन्वर्जन के बारे में बात की है, कन्वर्जन क्या चीज़ होती है, बिहेवियर के बारे में हम बात करने लगे थे। बिहेवियर बेसिकली होता है वो तमाम चीज़ें जो कि आपका यूज़र आपके ब्रांड के साथ करता है। मिसाल के तौर पर कोई आप एक पॉडकास्ट क्रिएटर हो या फिर आप कंटेंट क्रिएटर हो, आप यूट्यूब की वीडियोस बनाते हो, कस्टमर या ऑडियंस आपके पेज पे आती है, आपकी वीडियो या आपकी पॉडकास्ट हो आधी देखती आधी देखने बाद चली जाती है, तो ये यूज़र का बिहेवियर जो आपको बताता है कि वेदर यू आर फेसिंग एन इशू एंड हाउ टू डील विद दैट इशू। Does this make any sense to you guys? Yes. आकिब भाई, आकिब आपकी आवाज नहीं आ रही। सर रिपीट कर सकते हैं ये एक बार, ये जो आप अपने अभी जी बताया। जी मैं डेफिनेटली रिपीट कर देता हूँ, आपको कहाँ तक समझ आई थी उसके बाद मैं दोबारा कंटिन्यू कर देता हूँ। सर मैं कॉल में लगा हुआ था सर, आपने लास्ट टाइम जो बात की है कि ये मुझसे रहेगी। ब्रदर आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको कॉल आए तो फ्रेंडली मेरे चैट में बता दिया करें ताकि मैं उसके लिहाज से फिर डील कर सकूँ। चलो, बेसिकली बिहेवियर वो चीज़ें होती हैं जो आपका कस्टमर आपकी ऑडियंस आपके पेज के साथ इंटरेक्ट करते हैं या आपके किसी भी प्रोडक्ट के साथ इंटरेक्ट करते वक्त करती है। मिसाल के तौर पे अगर आपकी वेबसाइट है ब्लॉग्स की, उसमें से एक पर्टिकुलर ब्लॉग है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, बाकी ब्लॉग्स के ऊपर या बाकी पेजेस के ऊपर कस्टमर नहीं जा रहे हैं, तो एक सर्टन बिहेवियर पैटर्न है ये जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उस आइडेंटिफिकेशन की मदद से आप बाकी के पेजेस को बेहतर कर सकते हैं। अब समय ही भाई जी सर, उनके अपने यूजर के भी आप पे आप कितनी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं ये? या बेसिकली बिहेवियर वो पैटर्न है स्टेप्स का जो कि एक सेशन को कम्प्लीट कर रहा होता है। अगर कोई बंदा आपकी पेज को व्यू करता है तो वो एक बिहेवियर है, अगर कोई बंदा आके पेज को लोड करता है, लोड होती है वेबसाइट पर टाइम बहुत लगाती है, वो चला जाता है, बाउंस कर जाता है, वो भी एक बिहेवियर है। ये तमाम चीज़ें बिहेवियर में काउंट होती हैं। ठीक हो गया? यस सर, क्लियर, थैंक यू। चलो, गुड हो गया, यू आर वेलकम। किसी और भाई को कोई क्वेश्चन है तो वैंड पूछ लें, नहीं चले लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, मिस मदीहा को क्वेश्चन है ए बी टेस्टिंग का। ए बी टेस्टिंग का अदील भाई ने बहुत अच्छा आंसर किया था। अदील भाई मुझे काइंडली रिपीट यू सर। ए बी टेस्टिंग सर, आवाज आ रही है सर? जी लाउड एंड क्लियर। जी ए बी टेस्टिंग ये होती है सर कि दो चीज़ें आप करते हैं, दो मॉडल बनाते हैं, दो प्लान बनाते हैं और उनको टेस्ट करते हैं कि कौन सा वर्कआउट कर रहा है और कौन सा वर्कआउट नहीं कर रहा, जो बेहतर वर्क करे फिर उसको आप कंटिन्यू करते हैं। बेसिकली दो जब आप कोई चीज़ करते हैं, दो मॉडल बनाते हैं,
इसमें दोनों को ट्राई करते हैं, जो काम करे तो उसको आप बांट लीजिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। उम्मीद है दिस वुड हेल्प मिस निधिया विद योर क्वेश्चन रिगार्डिंग एबी टेस्टिंग। आदिल भाई वो आपको थैंक यू कह रही हैं, उनका पॉइंट क्लियर हो गया। अब मूविंग फॉरवर्ड सेगमेंटेशन की तरफ चलते हैं। सेगमेंटेशन बेसिकली होता है किसी ग्रोह को बांट देना, जैसा आजकल मुसलमान बांटे हुए हैं ना हमने कि भाई तुम वॉल्यूम से मानो तो वॉल्यूम से मानो, उसी तरह अपनी ऑडियंस को डिफरेंट हिस्सों में बांट देना सेगमेंटेशन कहलाता है। सेगमेंटेशन आप डिफरेंट चीज़ों के ऊपर कर सकते हो, एज के ऊपर कर सकते हो, टीनेजर है, 40 ईयर ओल्ड है, 50 ईयर ओल्ड है, आप उसकी स्टडी के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर कर सकते हो, वो कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहा है, आईफोन यूज़र है, एंड्रॉइड यूज़र है, वो किस टाइम ऑनलाइन होता है, किस टाइम ऑफलाइन होता है, ये सब चीज़ें, उसके बिहेवियर, उसके डेमोग्राफिक, उसकी शादी हुई है कि नहीं हुई, इसके बच्चे हैं कि नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है सेगमेंटेशन में हेल्पफुल होती हैं। अच्छा, अब सेगमेंटेशन की एक बड़ी मजे की मैं बात करूँ, चलिए आप लोगों से मैं पूछता हूँ, उम्मीद है आप क्लास की पार्टिसिपेशन भी हो जाएगी। दोनों दो यूजर्स हैं, आपने बताना है बाइंग पावर किसकी ज़्यादा है, बाइंग पावर होता है किसी चीज़ को खरीदने की पावर किसके पास ज़्यादा है, आईफोन यूज़र के पास बाइंग पावर ऑन एवरेज ज़्यादा होती है या एंड्रॉइड यूज़र के पास ज़्यादा होती है। अदील भाई आपका आईफोन वाले मिस्टर दिया ने जाते जाते एक आईफोन लिख दिया। हाँ जी बिल्कुल मिस्टर दिया आप सही डायरेक्शन में हैं। अदील भाई आप बताएं आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। आईफोन सर, आईफोन वाले की बाइंग पावर ज्यादा होगी सर, आईफोन वाले की डेफिनेटली ज्यादा होगी, उनके पास बजट ज्यादा है, पैसे ज्यादा हैं तो डेफिनेटली वो गुड हो गया। सिशान भाई, विशाल भाई आप बताएं। आई थिंक डिपेंड करता है इंडिविजुअल पर, वो किस तरफ किस बैकग्राउंड से तरफ करता है या क्या काम करता है। वेरी गुड पॉइंट, हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे, हम ऑन एवरेज बात कर रहे हैं कि ऑन एवरेज बाइंग पावर किन लोगों के पास ज्यादा हो, बट आपका पॉइंट वैलिड है। मेरे ख्याल में अगर एक ही ईयर की रिलीज आईफोन और एंड्रॉइड हो तो डेफिनेटली आईफोन, और अगर सस्ता आईफोन हो तो फिर डेफिनेटली एंड्रॉइड कीजिए। वेरी गुड पॉइंट आपने बस गहराई में जाके इस सवाल को आंसर किया है। अच्छा चले अब अगले आगे चलते हैं, बाइंग पावर की फिर से बात करते हैं। अब मैं क्वेश्चन ये है कि एक इंडिविजुअल है जिसकी उम्र है बिटवीन 10 to 20, एक इंडिविजुअल है जिसकी उम्र 30 to 40, बाइंग पावर किसके पास ज्यादा होगी। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम खटक साहब, आप बताएं। मैं आंसर कर दूं सर? जी जी प्लीज सर। दोनों की हो सकती है, केस डिफरेंट सिनेरियोस में हो सकती है। अगर जो टीनेजर है सर वो कोई काम नहीं करते, फॉर एग्जांपल स्टडीज ही सिर्फ करते हैं, तो उसकी बाइंग पावर कम होगी बनिस्बत एक 30 to 40 ईयर ओल्ड। लेकिन अगर एक टीनेजर है इसी तरह फॉर एग्जांपल कोई ऑनलाइन कोर्स करके कोई अपने स्किल्स जनरेट करते हैं और उनसे अपनी कोई इनकम जनरेट कर लेते हैं, तो तब इस केस में दोनों की सेम हो सकती है। फिर ये भी हो सकते हैं अगर वो 30 to 40 ईयर वाला अनएम्प्लॉयड हो, गुड पॉइंट हो सकते हैं कि डेमोग्राफिक्स की बात करते हैं। ऑन एवरेज ज्यादा कौन ऑनलाइन शॉपिंग करता है, मेल या फीमेल? सर फीमेल ज्यादा करते हैं। फीमेल ज्यादा करते हैं। वेरी गुड आंसर, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। अच्छा ऑन एवरेज ज्यादा शॉपिंग कौन करता है, ओल्ड एज वूमेन हु इज अराउंड द एज ऑफ 47 to 67 और अ यंग फीमेल इन द एज बिटवीन 20 to 35 और 40। यंग फीमेल मेरे ख्याल में ज़्यादा करते हैं। बिल्कुल। अच्छा द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज कि आप सब लोगों को ऑडियंस सेगमेंटेशन का बहुत क्लियर इंडिकेशन आंसर पता है, ये सारी इंसाइट्स आपके दिमाग में मौजूद हैं कि यार ये वाली चीज़ ऐसे होगी, ये वाली चीज़ ऐसे होगी। आप लोग ऑलरेडी मार्केटिंग दिमाग में सोच के बैठे हुए हैं कि मार्केटिंग क्या चीज़ है, किस बंदे को क्या चीज़ बेचनी है तो वो चीज़ जल्दी खरीद लेगा। तो गोल इज कि इन मार्केटिंग इंसाइट्स को। जी जी प्लीज। जी सर मैं यही बोल रहा था कि अब समझ आ गई ये सारी बातें पूछने की रीज़न क्या। वेरी गुड, यही बेसिक। अच्छा रिगार्डिंग द आईफोन एंड एंड्रॉइड थिंग, द थिंग इज़ कि जो आईफोन यूजर्स हैं और जो एंड्रॉइड यूजर्स हैं उनकी अक्सर इस जगह पर लड़ाई होती है। मैं एज माई सेल्फ मैं एंड्रॉइड यूज़र हूँ, तो मैं कभी भी आईफोन यूजर्स को नहीं कहता यार तुम्हारे पास बाइक पावर ज़्यादा है, बट इन द ऑन एवरेज जब हम देखते हैं ना किसी भी चीज़, तो ऑन एवरेज आपको बल्क में देखना पड़ता है, तमाम ऑडियंस को, तमाम चीज़ों को ग्रास करना पड़ता है। बल्क में एंड्रॉइड यूज़र जो है एक बस में भी सफ़र करने वाला हो सकता है, जहाज में भी सफ़र करने वाला हो सकता है, वो बंदा मजदूर भी हो सकता है, वो बंदा सीईओ भी हो सकता है, बट आईफोन यूजर्स इन जनरल
अगर देखी जाए तो उनकी बाइंग पावर ज्यादा होती है क्योंकि उनके पास चीज महंगी है तो चीज महंगी है, तो इसलिए उनकी जो एड्स आप जब रन करते हैं ना आईफोन के लिए जो स्पेसिफिक एड्स होती हैं वो भी महंगी होती हैं, जो आईफोन एड्स होती हैं उसके पीछे वजह ये है कि इनके पास बाइंग पावर ज्यादा है, तो इस लॉजिक के ऊपर मैं तुमसे पैसे भी ज्यादा लूंगा इन्हें एड्स दिखाने के लिए। ये पॉइंट आप सब लोगों को समझ में आ गया? यस सर, क्लियर है सर। चलिए गुड हो गया। अच्छा, डेमोग्राफिक्स की हमने बात की है, उसमें हमने टेक्नोलॉजी की बात की है, टेक्नोलॉजीज डिफरेंट हो सकती हैं, वो कौन सा ब्राउजर यूज कर रहा है, वो कौन सा मोबाइल यूज कर रहा है, उसके नया फोन है पुराना फोन है, ये तमाम चीज़ें टेक्नोलॉजीज में आ जाती हैं जिनके पर आप उन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। यूज़र बिहेवियर होता है कि यूज़र बिहेवियर कैसे हो रहा है, उस यूज़र बिहेवियर को आप कैसे पैटर्नाइज कर सकते हो, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ना आप अपनी ऑडियंस को सेगमेंटेशन में डालते हो, उनके टुकड़े कर देते हो, फिर उन टुकड़ों के पर आप कामयाबी हासिल करते हो। एक अंग्रेज़ों का बहुत अच्छा रूल है, डिवाइड एंड कॉन्कर, इन्हें बांट दो, बांटने के बाद इनके पर तुम फतह हासिल कर लो। अगर उसी तरह अपनी मेजर ऑडियंस को जीतना है ना तो आपको उसे बांटना पड़ेगा। जो यंग टीनेजर्स हैं या जो यंग एज में हैं उन्हें आप वैलेंटाइन डे की दिखाओगे, और जो बड़ी एज वाले हैं उन्हें आप ब्लेस्ड फ्राइडे की एड दिखाओगे। ये बात समझिएगा, जो यंग बच्चे हैं जो कि इस एज में हैं कि वो वैलेंटाइन डे मनाएंगे, आप उन्हें वो वाली चीज़ दिखाओगे, और जो इस एज में है कि वो इन चीज़ों को बुरा मानती हैं या फिर वो थोड़ा रिलीजियस हैं तब उन्हें वो वाली चीज़ दिखाओगे। जिस तरह की एक मेरे दादा को एक मिसाल देते थे जिसकी उर्दू तर्जमा ये बनता है कि जिस तरह का मुँह है उस तरह की चप्पे मारनी है, तो जिस तरह की आपकी कस्टमर ऑडियंस है आपने उस तरह का उसके साथ एड शो करनी है, उस तरह की चीज़ दिखानी है, वो उस तरह की चीज़ जल्दी बाय कर लेगा। बन सिर्फ कि मैं उसे ऐसी चीज़ दिखाऊँ जो उसके साथ ताल्लुक ही नहीं रखती है, उसके वो चीज़ खरीदवाने के लिए मुझे जितनी एफर्ट करनी पड़ेगी उससे वे बदले में 10 कस्टमर हो लास्ट। अच्छा, अभी हमारे लास्ट 10 मिनट अभी इस लिहाज से मैं एनालिसिस सजेशन की तरफ चलती हूँ। एनालिसिस सजेशन के अंदर आपने बेसिकली जब भी तक हमने डेटा आप जमा कर लेंगे प्रोजेक्ट का उस सबको एनालाइज करना है, एनालाइज करने के बाद आपने बताना है कि वजन ये इस तरह है, ये इस तरह है, ये इस तरह है, और मैं ये सजेशन देता हूँ कि आप इस चीज़ को ऐसे कर लो, इस चीज़ को ऐसे कर लो, इस तरह आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, इस तरह आपका रिटर्न ऑन एड स्पेंड जो है वो अच्छा हो जाएगा, आप इन ई कॉमर्स चेंजेस को अपना लो, आप अपना बिजनेस इम्प्रूव हो जाएगा, वो इन अपडेटेड टेक्नोलॉजी स्टैक्स को इम्प्रूव करें, ये सारी चीज़ें आप इधर इनपुट कर रहे होंगे, वो इनको इनपुट करने के बाद इन चीज़ों का यूज़ करके अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद डाउनलोड करेंगे, या अगर इस प्रेजेंटेशन में बनाए तो डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे अपने डैशबोर्ड के अंदर और यहाँ पे एंड पे सबमिट प्रोजेक्ट का क्लिक करके वहाँ पे आप सबमिट कर देंगे प्रोजेक्ट को। सबमिट ये यहाँ पे नीचे आए और यहाँ पे आपने सबमिट प्रोजेक्ट पे क्लिक किया और फाइल को अपलोड किया, आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी तो उसके बाद आपका प्रोजेक्ट सबमिट हो जाएगा। इसके साथ ये आपका पहला प्रोजेक्ट जब कम्प्लीट हो जाएगा तो होपफुली फिर आगे आपको मसले नहीं आएंगे, बस ये पहला प्रोजेक्ट जो है टाइम से कम्प्लीट करना बहुत। आई वुड ऑल्सो रिकमेंड यू गाइस कि आप इस प्रोजेक्ट की रिव्यू को जरूर देखिएगा। ये जो लिंक्स होती हैं ये बेसिकली आपको आइडिया दे रही होती हैं कि आपने इस प्रोजेक्ट को आसानी से कैसे कम्प्लीट करना है। इसके अंदर तमाम चीज़ें जो हैं एक शॉर्ट टर्म में एक समरी वाइज लिखी होती हैं, तो आपको प्रोजेक्ट कम्प्लीट करने में बहुत आसानी होगी। तो इन गाइडलाइंस के साथ मैं आज की क्लास को कंक्लूड करूँगा। अभी हमारे पास पीछे 8 मिनट मौजूद हैं, इन 8 मिनट के अंदर आप लोगों के कोई भी रिमार्क्स हैं, कोई क्वेश्चन है, कोई भी बात पूछनी है तो मैं हाजिर हूँ, काइंडली आप पूछ सकते हैं। सर, ये प्रोजेक्ट जो है ये करने के बाद जो जब हम कंप्लीट कर लेंगे अप्रूव हो जाएगा तो इसका हम हमें प्रैक्टिकल फील्ड में भी फायदा होगा इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का कोई जी सर। यूडेस्टी की नैनो डिग्री मुझे इसीलिए पसंद है क्योंकि इसमें जो प्रोजेक्ट्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा रियल लाइफ से मिलते जुलते हैं। अब मिसाल के तब इस प्रोजेक्ट में क्या कर रहे हैं, आप इनसाइट्स निकाल रहे हैं एक गूगल एनालिटिक्स के अकाउंट से और इन इनसाइट्स के मद से आप फिर सजेशन दे रहे हैं कि यार मैंने आपके अकाउंट में ये चीज़ें देखी हैं, इन चीज़ों को देखने के बाद मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये ABC काम कर लो, आपका बिजनेस बेहतर हो जाएगा। अब आप इसे रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करें, आपके पास कोई क्लाइंट आता है, क्लाइंट कहता है यार मैं पिछले 10 सालों से काम कर रहा हूँ, मैंने इतना काम कर लिया बट मुझे ना ऑनलाइन डिजिटल में फ़ायदा नहीं हुआ, आप कहेंगे मुझे अपना एनालिटिक्स का अकाउंट दो, मैं आपका एनालिटिक्स का अकाउंट देख के बताता हूँ मसला क्या हो रहा है। आप उनका गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट लेंगे और ये चीज़ें निकाल के आप उसे के सामने रख देंगे, ये मैंने आपकी चीज़ें निकाली हैं, ये मसले हैं आपके, इन्हें ऐसे कर लो ठीक हो जाओ, और इस तरह करके आप आराम से
दो तीन लाख का क्लाइंट हासिल कर सकते हो जो आपको मंथली 2-3 लाख का देगा। दिल भाई इससे आपका सवाल हल हो गया, कोई और क्वेश्चन? जी सर ठीक है सर, ये इसमें जो हम जी सर ये सर मेरी आवाज़ नहीं आ रही, क्या मसला है जी? मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी आ रही है। जी सर, जी सर ये जो फंडामेंटल्स वाला सेशन है, ये सेक्शन है, इसके अंदर एनालिटिक्स के बारे में भी ये आगे चल के बताएंगे वो? जी बिल्कुल। गूगल एनालिटिक्स कैसे यूज करना है? जी डेफिनेटली बताएंगे। बेसिकली ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट्स होने से पहले आपको इन तमाम स्किल्स से एक बार गो थ्रू करवाया जाता है। आप इन तमाम चीज़ों को पहले एक बार खुद से करेंगे, स्टडी के दौर में भी और प्रैक्टिकली भी, उसके बाद प्रोजेक्ट आपको मिलेगा। इसलिए घबराने वाली बात नहीं, आप बहुत ईजी डिग्री है इंशाल्लाह। आप जब इसे गो थ्रू करे होंगे आपके लिए ये तो बहुत ईजी था, मैं भी टेंशन नहीं होता। जी सर ओके सर, बहुत हो गया। किसी और भाई का कोई और क्वेश्चन हो? जी सर, जिस तरह AI प्रोग्रामिंग के लिए फॉर एग्जांपल एक बंदे का मैथ स्ट्रांग होनी चाहिए ना, तो इसलिए डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए सर कौन सी ऐसी जो एस्पेक्ट्स हैं जो एक स्ट्रांग होने चाहिए आपके? आपने सिर्फ उस दिन मेल इसमें मैसेज में बोला था कि लॉजिकल बहुत ज्यादा है, अच्छा, तो आप कैसे डिजिटल मार्केटिंग में कौन सी खसूसियत होनी चाहिए कि वो इसे इजीली लर्न कर सके, ताकि हम अगर ना हो वो क्वालिटीज तो बिल्ड भी कर सके खुद में? मैं आपको बताता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग एक अच्छे डिजिटल मार्केटिंग के लिए 3 क्वालिटीज जो मुझे लगता है, उनमें पहली क्वालिटी है परसिस्टेंस, सेकेंड क्वालिटी है लॉजिक, थर्ड क्वालिटी क्या थी मैं याद कर लूँ, पहले डेटा ड्रिवन। अच्छा, एक अच्छा डिजिटल मार्केटर ये 3 क्वालिटीज रखेगा। पहली क्वालिटी उसके अंदर जिद होगी, परसिस्टेंस होगी। अब मैं कहता हूँ कि ये पानी की बोतल जो है ना, मैंने पूरे लाहौर में मार्केट करनी है, हर लाहौर का बंदा जो है या हर पेशावर का बंदा है या हर पाकिस्तान का हर बंदा जो है उसके पास ये बोतल मैंने बेचनी है, तो उसके लिए मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि मैं परसिस्टेंस के साथ उस मार्केट को टारगेट करता रहूं, ताकि वो चीज़ उस तरह वायरल हो जाए जो मेरा गोल है। अब दूसरी बात, लॉजिकली परसिस्टेंस को हासिल करना है। मिसाल के तौर पर अगर मैं ऐसा प्रोडक्ट बेच रहा हूँ जो सिर्फ मेल ओरिएंटेड है, जो सिर्फ मर्द ही खरीदेंगे, इसका कोई चांस ही नहीं है कोई औरत खरीदे, बट मैं प्रोडक्ट को बेचता हूँ औरतों को, तो वो लॉजिकल बात नहीं है। सेम वो चीज़ है, अगर मैं वेडिंग रिंग्स जो हैं, शादी की रिंग्स जो क्रिश्चियंस अक्सर शादी के टाइम में लेती हैं, वो मैं बेचता हूँ उन लोगों को जिनकी शादी को 10-20 साल गुजर गए हैं, तो उसमें लॉजिकल बात नहीं। अगर उसी तरह मैं अपनी कहता हूँ कि यार आप यूनिवर्सिटी BBA या MBA की डिग्री बेचता हूँ मैं उन बच्चों को जो जिनकी उम्र अभी 18 साल नहीं या छोटी एज की, उन लोगों को मैं टारगेट करता हूँ कि यार आप MBA कर लो, तो लॉजिकल बात नहीं है। तो ये बेसिकली 2 बातें हैं। तीसरी बात है डेटा ड्रिवन होना, आपके पास डेटा हमेशा होना चाहिए, जिस डेटा को यूटिलाइज करते हुए आप फैसला करोगे या ये काम मैं इन लोगों के साथ करूँ या ना करूँ। मिसाल के तौर पर जब हम बात कर रहे थे कि बाइक पावर किसके पास ज़्यादा है, औरतें ज़्यादा खरीदती हैं मर्द ज़्यादा खरीदते हैं, या फिर एंड्रॉयड यूज़र ज़्यादा अमीर होते हैं या एप्पल यूज़र ज़्यादा अमीर होते हैं, आप लोगों ने दिमाग में सोचा कि यार मैं इतने लोगों को जानता हूँ जो फीमेल्स हैं जो शॉपिंग करती हैं ऑनलाइन, और मर्द जो हैं वो मेरे ख्याल में इतनी शॉपिंग नहीं करते, या आपने कहीं ये स्टडी पढ़ी होगी या आपने कहीं से नॉलेज निकाली, इस डेटा को दिमाग में लाए, या ये मैंने डेटा दिमाग में है, इस डेटा को यूटिलाइज करते हुए मैं सवाल को आंसर कर सकता हूँ कि भजन ये वाले कैसे का ये वाला आंसर है। इन 3 चीज़ों को, इन 3 रूल्स को फॉलो करते हुए कोई भी बंदा ना एक अच्छा डिजिटल मार्केटर बन सकता है। अपनी लाइफ में जिद पैदा करो, लॉजिकल जिद को करो, उस लॉजिकल जिद को डेटा ड्रिवन बनाओ, आप एक अच्छे डिजिटल मार्केटर बन जाओगे। ठीक है सर, वेरी वेरी गुड, समझ आ गया। अच्छा एक और क्वेश्चन है सर, कोई जी एक 2 वेबसाइट आप अगर सजेस्ट करना चाहें जिधर से हम इसके अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें लर्न कर सकें डिजिटल मार्केटिंग के लिए? यार मैं आपको मशवरा दूंगा, आप ना डिजिटल मार्केटिंग के लिहाज से ना, मैंने एक बहुत ऐसा पहले जब मैंने लाइनवे सूफी स्टार्ट किया था ना, एक कोर्स मैंने तब कुछ वीडियोस बना के यूट्यूब के पर चलाई थी, आप उन वीडियोस को देख लो। आप गूगल करो सूफी डिजिटल मार्केटिंग या फिर लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग इन उर्दू, तो आई थिंक पहले नंबर पर आ जाए। मैं आपको सर लिंक भी शेयर कर दूंगा, मुझे DM कर दो, मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा उसकी, तो वो वीडियो देख लेना, उससे फायदा ये होगा हमने जो आगे कोर्स पढ़ना है ना उसके अंदर आपकी और मेरी सोच मिल जाएगी। तो सर आप बता रहे थे कि आप थोड़ा शाय अवे हो इस फील्ड से, थोड़ा कम ताल्लुक है, तो उस उन 2-3 वीडियो से फायदा ये होगा, आपका दिमाग रेडी हो जाएगा तमाम इंफॉर्मेशन को अटेन करने के लिए।
ठीक है ब्रदर, आप ये काइंडली डीएम शुरू कर देना ताकि मैं आपको रिप्लाई कर दूं, अदरवाइज मैं भूल जाऊंगा। किसी और भाई सर, मैं सिस्टर क्वेश्चन काइंडली पूछ लें सर। सर ये कितने सेशन होंगे, ये जो आज वाला सेशन था, ऐसे कितने सेशन मजीद होंगे और कब कब होंगे? मुझे एक सेकंड में आपको कंफर्म करके बता देता हूँ। यार तकरीबन 12-13 सेशन हैं जी सर। इन मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप इन सेशंस के अंदर ही ना अपनी नैनो डिग्री को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा। उससे फायदा ये होगा कि आपको प्रोजेक्ट्स साथ साथ जो होंगे ना मसले, मैं आपके सॉल्व कर दूंगा। आफ्टर द सेशन जो है ना, आपके साथ टाइम निकालने में थोड़ा इशू हो सकता है, इसलिए अगर आप साथ साथ कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी आप लोगों को। उससे ये भी फायदा होगा कि जो आप जो मसले फेस कर रहे होंगे वही मसले आपके क्लासमेट्स भी फेस कर रहे होंगे, तो फिर आप जब एक ही मसला सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। जी सर। अदिल भाई कोई और क्वेश्चन या किसी और भाई का कोई और क्वेश्चन पूछ लें? ये टाइम से पहले भी डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं सर, माशाल्लाह कर सकते हैं अगर कोई? जी डेफिनेटली डेफिनेटली सर। जिस तरह अदील भाई ने माशाल्लाह पार्टिसिपेट किया क्लास में, कुछ चीजें अदील भाई की तरफ से क्लियर होगी, तो हम आपस में एक दूसरे के साथ रीच कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे कांटेक्ट में रह सकते हैं? जी जी, आप स्लैक जो पे एक दूसरे के में रह सकते हैं। उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग ग्रुप है, वहाँ पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं और आप मुझे वहाँ पे टैग करके वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अदील भाई ने माशाल्लाह इस फील्ड में काम किया हुआ है और वो अपनी खुद की एजेंसी बनाने के उम्मीदवार हैं, तो मैं उन्हें इस बारे में काफी उनकी बात सुनकर खुश हुआ था कि दैट इज ऑन द राइट वे एंड इंशाल्लाह ही विल बी सक्सेसफुल इन द कमिंग इयर्स। कोई और क्वेश्चन है किसी भाई का तो काइंडली पूछ लें, अदरवाइज वी विल कंक्लूड द सेशन। सर ये जो रिकॉर्डिंग है ये कहाँ पे मिलेगी फिर? मैं आपको ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। अच्छा सर, ये जो ना ये स्लाइड वगैरह जो है, जो ऐप है, ये फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो मतलब इतना यूज तो नहीं है इसके साथ। मैंने कहा कि एक पॉसिबिलिटी है, अगर मतलब वो व्हाट्सएप ग्रुप अगर पॉसिबिलिटी है, अगर लड़के बनाना चाहते हैं तो अभी जो है फर्स्ट टाइम है तो ये ऐप के साथ इतना यूज टू नहीं है, अगर पॉसिबिलिटी है और आपस से बना सकते हैं। जी जी, आप लोग डेफिनेटली आपस से बना सकते हैं, बट मैं नहीं उसे ज्वाइन कर सकता क्योंकि कंपनी पॉलिसी के खिलाफ है। मैं स्लैक के अंदर आप ग्रुप बनाते हैं उसे मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। ठीक है सर। और सर ये जो ओडेसिटी का जो मतलब ये लर्न ओडेसिटी है ना सर, इसमें से अभी ये संडे को ये एक है 2-4 तक है ना, तो मोहसिन साहब बताइए कोई दूसरा नाम है उनका है ना सेशन, तो सर ये मतलब वो कौन सा है, थोड़ा सा अगर गाइड कर सकते हैं? या मोहसिन तो मैं खुद हूँ, दूसरे सेशन का नहीं सर, ये दूसरा वो आई थिंक आपका। अच्छा सर, जो दूसरा सेशन होगा कैरियर सेशन होगा। जी जी, दूसरा सेशन आपका कैरियर सेशन होगा। आप जब उसे ज्वाइन करेंगे ना तो उसके अंदर आपके कैरियर के लिहाज से जो भी क्वेश्चन होंगे आप उन्हें डील कर रहे होंगे। अगर मुझे जो मैसेज आया वो मैसेज मैं एक सेकंड देख लेता हूँ, वहां पे बता देता हूँ। सर ये एहसन एहसन अहमद। अच्छा, आप ना आई थिंक गलत क्लास के अंदर है, आपके जो सेशन लीड है ना वो एहसन अहमद भाई है, तो आप मैंने उनकी क्लास लेंगे। जी। दूसरा मिस मधिया का मैसेज आया था। हाँ जी, मिस मधिया का क्वेश्चन आया था कि अगर स्लैक पे ग्रुप बना लेंगे तो कन्वीनियंट होगा, तो काइंडली वहाँ पे बना लीजिएगा। जी भाई बताएं आपका क्या क्वेश्चन था? जी सर, सर ये जो है ना मतलब ये आपका जो ना जो सेशन पूरा मतलब इसको डिजिटल मार्केटिंग के हिसाब से होगा, जो एहसन अहमद साहब को होगा सर वो किस हिसाब से होगा सर, वो अच्छा बेसिकली ना मैं बताता हूँ, एहसन अहमद भाई का भी डिजिटल मार्केटिंग का होगा क्लास के अंदर है, क्योंकि आप लिंक शेयर कर रहे हैं ना, या जो फोटो शेयर की गई है, मेरे ख्याल में आप दूसरी क्लास में आ गए, आपने एहसन भाई की क्लास में आना था। बेसिकली तीन टीचर्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के जिनमें से एक मैं हूँ। अच्छा सर, ठीक है सर, ठीक है सर, मतलब तीन टीचर्स होंगे सर। नहीं है, मैंने आप लोगों के साथ काफी टाइम गुजारा, आज उम्मीद है आने वाले सेशन भी यूजफुल होंगे, बड़ा मजा आया आप लोगों के साथ ये सेशन यूज करके। आप लोग अपना ख्याल कीजिएगा, अल्लाह हाफिज। सर एक सेकंड बात सुन। जी जी, आकिब भाई बताएं। सर आप अपने बारे में कुछ बताना चाहें, हमें भी जान के खुशी होगी। सर आकिब भाई आप ना एक्चुअली लेट आए थे, मैंने अपनी पूरी पैसे। अच्छा चले ठीक है सर, मैं लेट आया था एक घंटा, तो बता दीजिएगा। वैसे जो दोस्त जाना चाहें वो जा सकते हैं, आप लोगों के जो ऑफिशियल टाइम है खत्म हो गया है, अभी बस एक्स्ट्रा टाइम है, तो जो लोग अभी रुकना चाहें रुक सकते हैं, जो लोग जाना चाहें जा सकते हैं। अच्छा मैं शेयर स्क्रीन करता हूँ, आकिब भाई जब आपको दिखाई दे बता दीजिएगा।
दिखाई दी स्क्रीन आपको? जी सर। अच्छा आके भाई, मेरा जो स्टार्ट हुआ था ना वो एज एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर शुरू हुआ था मैं। आफ्टर दैट मैं फिर डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ में आया, फिर डिजिटल मार्केटिंग में आया। मैंने डिजिटल मार्केट में तकरीबन कोई पिछले 8-9 साल गुजारे हैं। कुछ कंपनियां मैं चला रहा हूँ, ये है सुफी डिजिटल मार्केटिंग, डायनेक्स। सुफी डिजिटल मार्केटिंग पाकिस्तानी क्लाइंट्स के लिए है, डायनेक्स जो है वो बाहरी के क्लाइंट्स के लिए है, जैसे जो सऊदीया का या अमेरिका के क्लाइंट्स हैं उनमें डायनेक्स के थ्रू डील करता हूँ। लर्न विद सुफी एक इंस्टीट्यूट है जो मैं चला रहा हूँ, जिसमें मैं जो कम ताकतवर स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें फ्री ऑफ कोर्स या ऑलमोस्ट नॉन फीस पे पढ़ाता हूँ। लफानी एक कंपनी है जो चला रहा हूँ, जिसका काम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का है। इसके अलावा ये वो इंडस्ट्री है जिनके अंदर मैंने काम किया हुआ है। ये स्किल्स हैं जिनको यूटिलाइज करते हुए मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। ये वो ब्रांड्स हैं जिनके साथ मैंने काम किया हुआ है, और ये मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं अगर हमें किसी ने रब्ता करना हो। तो ये मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन है। ठीक है सर, किसी का कोई और क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लीजिए। यू आर वेलकम बडी। चले आई वुड से गुड लक टू एवरीवन। उम्मीद है आने वाले सेशन अच्छे होंगे हमारे भी। इस तरह अपना ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।